मेवात में दहेज लोभियों का शिकार हो रही गरीब परिवार की बेटियों के लिए दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन नासूर बनता जा रहा है। ताड़ू में शादी के दिन ही लड़का पक्ष वालों ने 3 लाख रुपए की नकदी तथा ट्रैक्टर ना देने पर रिश्ता तोड़ डाला। ताड़ू खंड के डेंगरहेड़ी गांव में लड़की के पिता ने बताया कि जब लड़का वालों से रिश्ता तय हुआ था उस वक्त किसी प्रकार की कोई लेन देन की तय नहीं हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही ससुराल पक्ष के लोगों ने 3 लाख रुपए की नकदी तथा एक ट्रैक्टर की मांग कर डाली, जिससे दहेज लोभी दूल्हा बारात लेकर दुल्हन की चौखट पर नहीं पहुंचा। 11 नवंबर को लड़की के घर शादी की तैयारी चल रही थी। शादी के दिन घर में चहल पहल थी, यार और रिश्तेदारों का खाना पीना चल रहा था और बारात आने का इंतजार हो रहा था। अचानक उनके पास सूचना मिली कि दूल्हा उनकी चौखट पर बारात लेकर नहीं आ रहा। लड़का वालों ने लड़की के परिवार से इनकार कर दिया, जिससे लड़की वालों के घर में मातम पसर गया। इससे आप समझ सकते हैं कि उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जब एक बाप की बेटी की खुशियां अचानक से गम में बदल गई। दहेज प्रथा समाज से खत्म होनी चाहिए, ताकि किसी गरीब परिवार की बहन बेटी दहेज का शिकार ना हो सके। ताउड़ू से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या नाम है जी? नियामत, मेरा नाम है। नियामत, मैं लड़के का चाचा हूँ। क्या मामला हुआ था जो अचानक से जो दूल्हे ने बारात लाने से मना कर दिया, क्या बात आ गई इसे? भाई, उनने 3 लाख और 3 लाख ट्रैक्टर मांगो, और अचानक उसी दिन 11 तारीख कोई 11:30 बजे हमारे जो रिश्तेदार उसके पास उनने वो मिलने का आए आए वहाँ पर, वो उनने कहा कि भाई हम तो 11 लाख रुपए लेंगे ट्रैक्टर जब बारात जाएगी, उनसे पूछ लो। जो शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हाँ, पूरी हो चुकी ही, और कन्यादान वाले सारे खाना पीना बिरादरी सारा खवाया था। इतने वो बीच में फिर वो खबर आ गई, फिर इतना में फिर हमारे यहाँ पूरी टेंशन हो गई। कहाँ से बारात आनी थी, क्या क्या उन लोगों का नाम है? उनका नाम है, ये सारे से सारा गांव है और तहसील तिजारा है और जिला अलवर है, और लड़का का नाम आदिल है, आकिल, और बाप का नाम उन्नस है। तो अभी जैसे उन्होंने यहाँ बारात लाने से मना कर दिया, दूसरी शादी कर ली उन्होंने? भाई ये तो हमने पता नहीं अभी तो। ऐसे लालची लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? भाई इनके लिए कोई कानून बनाई जावे, सख्त सख्त कार्रवाई हो। पुलिस में कोई कंप्लेंट दी है इस हाँ, मामले की? कंप्लेंट दी हमने शनिवार को, कितने लोगों के खिलाफ? हमने दिए वो 3 लोगों के खिलाफ दिए। कौन कौन शामिल एक है? उसका पिताजी है, एक लड़का आकिल है, और एक उसका भाई है वो सलीम, लड़का का बड़ा भाई। रिश्ता जब तय हुआ था, क्या बातचीत हुई थी उस दौरान? भाई जब बातचीत हुई कि भाई हमें तो लड़की लड़की चाहिए है, फिर उनसे कई कई बार पूछे कि भाई इनके भाई हम गरीब आदमी है, भाई अगर तेरी तबीयत करे तो रिश्ता कर ले। उसने कही भाई मुझे लड़की लड़की चाहिए, लड़की देखने के लिए भी आए थे यहाँ पे, और हमने यहीं यहाँ जब देखने के लिए आए, जब ही हमने उनकी लड़का की सगाई करी ही, लड़का का पिताजी भी आया था, लड़का का भाई भी आया था, लड़का के भावज भी आई थी, बहन भी आई थी। क्या मांग है जिला प्रशासन से? आप हमारी ये जिला प्रशासन से ये है कि भाई हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके कानूनी कार्रवाई करी जाए सख्त सख्त। आप लड़की के? मैं पिताजी हूँ जी लड़की का। तो एंड टाइम पे उन लोगों ने मना कर दिया था, इधर तैयारियां चल रही थी, क्या कहना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए जी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और कोई प्रशासन या कोई हमारे जो कानून बने जो ऐसी प्रथा को रोक सके, और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। और दहेज के लालच बहुत सी बहन बेटियाँ शिकार हो रही हैं इसके, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अचानक और से कैसे मैसेज आया कि 3 लाख और ट्रैक्टर की डिमांड ये लोग कर रहे हैं? कौन से नहीं, आया वो था? हमारा एक रिश्तेदार है, उसके पास आए थे वो लोग, और उन लोगों ने फिर ये मांग करी अचानक। हम तो अपने उसमें साथी को एंजॉय कर रहे थे, एकदम मातम से छा गया और कलेश हो गया पूरा। पूरी तैयारी थी आपकी हाँ, तरफ से? पूरी तैयारी थी सर।